नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। इमली का खट्टा मीठा स्वाद ही है जिसकी वजह से इमली का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। भारतीय खाने के कई सारे व्यंजनों को तैयार करने में इमली का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खानों की स्वाद में चार चांद लगा देता है। खासकर दक्षिण भारत के खानों में इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों में काफी आम है। आप इमली के नुकसान तो बहुत सुने होंगे। आमतौर पर आपके घर में आपकी माँ या बड़े लोग इमली खाने से मना भी करते होंगे, लेकिन क्या आपको इमली के फायदे के बारे में पता है? चलिए आज मैं आपको इमली के ऐसे 10 फायदों के बारे में बताऊंगी। इमली में विटामिन्स और मिनरल्स भरे पड़े हैं। विटामिन सी, ई और बी के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट भी शामिल है, जो कि इम्यून बूस्ट करने में आपके मदद करती है। और साथ ही ये सब विटामिन्स और मिनरल्स आपके लिए पावरफुल हेल्थ पैकेज की तरह साबित होगा। अगर आपके पाचन क्रिया में दिक्कत आ रही है तो इमली काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो आपके पाचन क्रिया में मदद करता है। इसके अलावा कब्ज और डायरिया जैसी समस्याओं में भी फायदेमंद है। इमली के बीज को पीसकर इसके पाउडर को भी पानी में डालकर पीने से इसमें लाभ होगा। अगर आप वजन को लेकर सतर्क हैं और वजन कम करना चाहते हैं तो इमली बेशक आपकी मदद करेगा। वजन को कम करने के लिए इसमें हाइड्रोक्साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में फैट कम करने वाले एंजाइम को बढ़ाता है। शरीर में रक्त संचार को बेहतर करने और आयरन की कमी को पूरा करने में इमली बहुत ही मदद करता है, जिससे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण बढ़ जाता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अगर आप आंखों में जलन और दर्द से परेशान है तो इमली यहाँ भी आपकी मदद कर सकता है। इमली के रस में थोड़ा सा दूध मिलाकर आंखों के बाहर लगाने से आराम मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आपकी आंखों में खुजली की समस्या है तो इसमें भी असरदायक साबित होगा। दस्त की समस्या में इमली का बीज काफी असरकारक होगा। इमली के सूखे बीज को पीसकर उसके पाउडर में अदरक, सेंधा नमक और मक्खन मिलाकर दूध के साथ पीने से काफी मदद करेगा। शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह की सूजन होने पर आप एक लेप तैयार करें, जिनके लिए आपको आटा की जरूरत होगी। उसमें इमली के पत्ते, इमली का रस, नमक लेकर उसको उबालें और जब लेप तैयार हो जाए तो गरम गरम लेप सूजन वाले स्थान पर लगाएं। ध्यान रहे लेप उतना ही गर्म हो जितना आप सह सकते हैं। इमली लू लगने से भी बचाती है। आमतौर पर गर्मी के दिनों में लू लगने से तबीयत खराब हो जाता है। इसमें आप पानी में 25 ग्राम इमली को भिगोकर उसका पानी पी लें तो आप लू लगने से बच सकते हैं। इमली के छिलके का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की छाइयां कम होने लगती हैं। साथ ही कान की समस्या होने पर इमली के रस को तेल में मिलाकर कान में डालने से भी फायदा होता है। इमली के इतने सारे फायदे होने के साथ ही इमली के सेवन से आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप किसी विशेष बीमारी के मरीज हैं तो इमली के सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर परामर्श ले लें। ऊपर दी गई जानकारियां इंटरनेट द्वारा ली गई हैं। बिहारी न्यूज इन जानकारियों की पुष्टि नहीं करता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर नए वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।